अपने कार पर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और इस पेंट के लिए मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा। जीएसएस के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उन सभी इंस्ट्रूमेंटों के बारे में एक एक करके बता रहा हूँ ताकि आप जब भी प्रेजेंटेशन दें तो अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकें। सबसे पहले क्या करना है, हमें दो लोगो लेने हैं। पहला लोगो लेना है जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने जो यूनियन की है उस यूनिवर्सिटी का लोगो लेना है। दूसरा, जिस भी जीएसएस से, जिस भी अंडर गवर्नमेंट के अंदर जीएसएस से आपने जो ट्रेनिंग की है उसका लोगो लेना है। इन दोनों लोगों को जैसे फोटो में दिखाया गया है उस हिसाब से क्लिक करना है। सबसे ऊपर ऊपर आपकी जो हेडिंग लिखी हुई है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होना, प्रसार विद्युत प्रसार निगम लिमिटेड, ऐसे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में बीच में जो लिखा गया है वो लिखा गया है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एट 220 के वी ग्रिड सब स्टेशन सांगली अंडर द RBBCL जहाँ से हमने ट्रेनिंग किया है उसका नाम लिखा गया है। पांचवी बात यह है कि जिसको हमें सबमिट करना है जैसे अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उसको दूसरी तरफ लिखा हुआ है सबमिटेड बाई जो स्टूडेंट जिसने अपना जिसको अपना नाम लिखना है उसकी ब्रांच लिखनी है और उसकी कौन सी ईयर चल रही है उसके बारे में लिखना है। ओके गाइस, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। दूसरी स्लाइड के अंदर आप लोगों को बताना है कि कौन कौन से कंटेंट होते हैं जीएसएस के अंदर, उन सभी के बारे में डिटेल से बताना गया है। जैसे कि फर्स्ट अबाउट RSEB राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, व्हाट इज द ग्रिड सब स्टेशन, ग्रिड सब स्टेशन की डेफिनेशन, उसके बाद में उसका सिंगल लाइन डायग्राम, उसके बाद लाइटनिंग अरेस्टर, बस बार, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ग्रिड ट्रैप, आइसोलेटर, करंट ट्रांसफार्मर, प्रोटेक्टिव रिले, सर्किट ब्रेकर, पावर ट्रांसफार्मर, कंट्रोल रूम एंड DC बैटरी रूम। ये सभी जो कंटेंट है वो GSS के अंदर इंस्टॉल्ड होते हैं, सबका अलग अलग पर्पज होता है और इन सभी के पर्पज़ के बारे में उनको क्यों इंस्टॉल किया जाता है, कैसे वर्क करते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। मैं डिटेल से बताऊंगा ताकि आपको सहूलियत हो जब भी प्रेजेंटेशन दें तब। ओके, तीसरे नंबर की जो स्लाइड बनाई गई है उसमें मैंने जो दिखाया गया है वो तो राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के बारे में बताया गया है कि ये राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है जो 1951 से 1956 के प्लान के तहत बनाई गई है। इसकी कैपेसिटी को बताया गया है 227.356 गीगावाट है जो कि अगस्त 2013 के अंदर है। वो बाकी सारी डिटेल आप जिस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आपने ट्रेनिंग किया है उस सब के बारे में आप बता सकते हैं, जिसके अंदर आपको डेफिनेशन देनी है व्हाट इज द ग्रिड सब स्टेशन। एक्चुअली ग्रिड सब स्टेशन जिसको हम GSS बोलते हैं, GSS का मतलब जनरेटिंग सब स्टेशन भी हो सकता है और GSS का मतलब ग्रिड सब स्टेशन भी हो सकता है, बट यहाँ पर मैंने GSS का मतलब दूंगा ग्रिड सब स्टेशन। ओके, क्या होता है ग्रिड सब स्टेशन, क्यों उसको इंस्टॉल किया जाता है, क्या इसका पर्पज है, उसके बारे में हम आपको बता दें कि ये सब स्टेशन इज ए असेंबली ऑफ ऑपरेटर्स। इस सब स्टेशन के अंदर सो मेनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स जो कि यूज किए जाते हैं, उनका अलग अलग पर्पज होता है, जैसे कि ट्रांसफार्मर है, लाइटिंग अरेस्टर है, वेव ट्रैप है, उस सब के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। मेनली जो सबसे महंगा जो इंस्ट्रूमेंट होता है GSS के अंदर वो होता है पावर ट्रांसफार्मर, जिसकी तकरीबन कीमत 1.5 करोड़ से ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, ट्रांसमिशन वोल्टेज को हमेशा ट्रांसमिशन लाइन के अंदर बहुत हाई रखा जाता है, जिसका रीज़न होता है इकोनॉमिकल। जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा ट्रांसमिशन लाइन का उसके ऊपर लॉस उतने ही कम होंगे, बिकॉज वोल्टेज जब इंक्रीज होगा ट्रांसमिशन लाइन का तो करंट डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आई स्क्वायर लॉस कम से कम होंगे, इसकी वजह से ट्रांसमिशन लाइन इकोनॉमिकल होगी। ट्रांसमिटेड वोल्टेज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन स्टेप डाउन,
जो जीएसएस होता है उसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा जाता है, और जो ट्रांसमिशन लाइन एट द सेंडिंग एंड स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जिसकी वजह से हमें सब स्टेशन की इंस्टॉल करने की ज़रूरत होती है। जो चित्र में दिखाए गए हैं वो सभी फीडर हैं जो इस जीएसएस से कनेक्टेड हैं। आपको भी अपनी अपनी नेक्स्ट राइड के अंदर ये फीडरों को जोड़ना है, जिसमें बाकी हमें कौन कौन से फीडर कहाँ कहाँ से आ रहे हैं उस उन सारे फीडरों के बारे में बताया गया है। जैसे कि 220 kV जीएसएस सांगनेर है, उसमें इनकमिंग फीडर पहला फीडर है जो 420 kV जो हीरापुरा से आ रहा है, 220 kV KTPS कोटा थर्मल का प्लांट से आ रहा है, 220 kV हीरापुरा, एक 420 kV हीरापुरा का है और दूसरा 220 kV हीरापुरा है और एक 132 kV हीरापुरा है। ये तीन हीरापुरा से आ रहे हैं और एक KTPS कोटा से आ रहा है, तो इस हिसाब से इनकमिंग फीडर है जो जीएसएस के अंदर एंटर। आउटगोइंग फीडर की अगर बात करें तो ये फीडर है 132 kV फीडर, जिसके तीन फीडर हैं मानसरोवर फर्स्ट के लिए, मानसरोवर सेकंड के लिए, बालाबला के लिए 33 kV फीडर है, जो दुर्गापुरा के लिए जाता है, सामानेर के लिए, सीतापुरा के लिए, एनजीआर के लिए फीडर जाता है, मोहना और तेजावाला के लिए। ओके गाइस, नेक्स्ट लाइन डायग्राम किसी भी जीएसएस का, उस सिंगल लाइन डायग्राम में आपको बताना है कि कौन कौन से फीडर इनकमिंग फीडर हैं जीएसएस में और कौन कौन से फीडर आउटगोइंग फीडर हैं, तो उसकी डिटेल। उसके बाद में लाइटनिंग अरेस्टर पहली डिवाइस होती है जीएसएस के अंदर जहाँ पे जो ट्रांसमिशन लाइन का एंड पॉइंट होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर पे ही आके कनेक्ट होता है। क्या पर्पज होता है लाइटनिंग अरेस्टर का जीएसएस के अंदर? बेसिकली जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है वो डायरेक्ट स्टॉक फ्रॉम द क्लाउड, इट मीन्स जो आकाश में बिजली चमकती है उस बिजली से ट्रांसमिशन लाइन को बचाने के लिए लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये लाइटनिंग अरेस्टर होता है जो डायरेक्ट स्टॉक को अरेस्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, और ये लाइटनिंग अरेस्टर चूँकि ट्रांसमिशन लाइन के एट द एंड पॉइंट पे जहाँ पे जीएसएस एंटर होती है वहाँ पे यूज किया जाता है, और हर डिवाइस जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर भी में लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं, बिकॉज पावर ट्रांसफार्मर की जो कीमत होती है वो बहुत हाई होती है। नेक्स्ट और इसके पर्पज़ के बारे में यदि बात कर रहे हैं तो ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है वो जैसे बड़ी बड़ी डिवाइस होती है जैसे पावर ट्रांसफार्मर होता है उसको लाइटनिंग स्ट्रोक से बचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइन को पूरे जीएसएस को डायरेक्ट स्ट्रोक से बचाने के लिए भी एक अलग से लाइटनिंग अरेस्टर का यूज किया जाता है। और जो ट्रैवलिंग वेव होती है जीएसएस के अंदर, जैसे ही कोई ट्रैवलिंग वेव एंटर होती है उसको ट्रैप करने के लिए कोरोना डिस्क का प्रयोग किया जाता है लाइटिंग अरेस्टर के ऊपर, जो रिंग के आकार में कोरोना डिस्क दी गई है वो ट्रैवलिंग वेव को ट्रैप करने का यूज काम में आती है। वेव ट्रैप का जो जनरली जो काम में लिया जाता है, जैसे ही ट्रांसमिशन लाइन जीएसएस के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पे डब्बे के आकार के तीन वेव ट्रैपर लगाए जाते हैं। इन वेव ट्रैप का जो काम होता है जीएसएस के अंदर वो ये जो कम्युनिकेशन सिग्नल होते हैं जो एक जीएसएस से दूसरे जीएसएस में सेंड किए जाते हैं, उन कम्युनिकेशन सिग्नल को ट्रैप करने के बाद में पीएलसीसी रूम को सेंड करने के पर्पज़ में काम में लिए जाते हैं। और दूसरा पर्पज़ होता है इसका जो हाई फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन सिग्नल जो लाइन होती है उनको
लो फ्रिक्वेंसी जो पावर ट्रांसमिशन लाइन है उससे अलग करने के लिए, बिकॉज हम जानते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन का कॉस्ट वैसे ही बहुत ज़्यादा आता है, और उस कॉस्ट को कम करने के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन के साथ में दो सिग्नलों को आपस में कंबाइन करके भेजा जाता है, एक पावर सिग्नल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में काम आता है, और एक कम्युनिकेशन सिग्नल जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में काम में लिया जाता है, और टेलीफोन कम्युनिकेशन सिग्नल वो सब ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू ही भेजे जाते हैं। सो उन सभी को मेन लाइन से अलग करने के लिए वेव ट्रैप का यूज़ किया जाता है, जिसमें PLLC आदि भी PLLC रूम अलग से इंस्टॉल किया जाता है। अब बात करते हैं हम बस बार की। बस बार का मेनली क्या काम होता है BSS के अंदर? बेसिकली जब कोई भी डिवाइस जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर को जो इनपुट देना होता है वो इनपुट बस बार ऐसे ही लिया जाता है। बस बार कुछ भी नहीं होता, बस बार एक सिंपल कंडक्टर होता है जो कॉपर का बनाया जाता है। बस बार की जो खासियत होती है, जो मेन वजह होती है, मेन जो खासियत होती है वो ये होती है कि बस बार के ईच पॉइंट पे वोल्टेज होता है, या फिर अपन कह सकते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑन ईच पॉइंट ऑफ बस बार विल बी इक्वल। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है द वोल्टेज ऑन बस बार एट ईच पॉइंट। बस बार दो तरह के होते हैं, एक तो मेन बस बार होता है, एक एक्सिलरी बस बार होता है। मेन बस बार जनरली काम में लिया जाता है, एक्सिलरी बस बार तब काम में लिया जाता है जब मेन बस बार में कोई कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिफिकल्टी आ जाए, कोई कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ रही हो, तो उस पर्पज़ में हम एक्सिलरी बस बार का प्रयोग करते हैं। ये भी BSS के अंदर अवेलेबल होता है। आइसोलेटर, आइसोलेटर का क्या पर्पज़ होता है BSS में? बेसिकली दो डिवाइसें होती हैं, एक होता है सर्किट ब्रेकर, एक होता है आइसोलेटर। सर्किट ब्रेकर हमेशा जब डिवाइस जब जब लाइन ऑन टाइम पे, मतलब ऑन लोड कंडीशन में सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है, जबकि आइसोलेटर होता है वो अंडर अंडर ऑफ लोड और अंडर नो लोड कंडीशन में सर्किट ब्रेकर का यूज किया जाता है। बेसिकली इसका जो यूज होता है वो मेंटेनेंस पर्पज के लिए, मेंटेनेंस पर्पज विद सेफ्टी। इट मीन्स यदि पावर ट्रांसफार्मर में कोई कोई मेंटेनेंस करनी है, या फिर किसी भी डिवाइस पे यदि कोई मेंटेनेंस करनी है, तो उसके लिए हमें पहले उस डिवाइस को आइसोलेटर की सहायता से हमें अलग करना है मेन बस बार से। अदरवाइज बरसात के दिनों में GSS में जो एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है, उस आयनाइजेशन की वजह से हो सकता है कि जो मेंटेनर होते हैं वो मेंटेनर शॉक्स लग सकता है। सो इसके लिए हमें मेन लाइन को आइसोलेटर से अलग करना जरूरी होता है। पावर ट्रांसफार्मर क्या काम होता है, बेसिकली यूज क्या होता है पावर ट्रांसफार्मर? पावर ट्रांसफार्मर वो होता है जिसकी रेटिंग बहुत हाई होती है, अराउंड 250 KVA के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो 250 KVA या 250 KVA से ज़्यादा के जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं। तो पावर ट्रांसफार्मर का मेनली जो यूज किया जाता है वो ट्रांसमिशन लाइन और BSS के अंदर यूज किया जाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। अब पावर ट्रांसफार्मर का जो पर्पज क्या होता है, ट्रांसमिशन लाइन के अंदर पावर ट्रांसफार्मर वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि GSS के अंदर जैसे ही कोई ट्रांसमिशन लाइन आके रुकती है तो वहाँ पे हमें जो हाई वोल्टेज है ट्रांसमिशन लाइन का, उस वोल्टेज को लो वोल्टेज में रिड्यूस करना होता है। और हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है वो करंट और वोल्टेज इन दोनों के लेवल को कम या ज़्यादा करता है, न कि पावर के लेवल को। ये क्वेश्चन कई बार SSC में पूछा गया है कि जो पावर ट्रांसफार्मर होता है या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो करंट को या वोल्टेज को या फिर पावर को, इनमें से किसको कम या ज़्यादा करता है? तो आंसर आता है
करंट और वोल्टेज इन दोनों को कम और ज़्यादा होती है, पावर हमेशा सर्किट में कॉन्स्टेंट होती है। चलो हम बात करते हैं पावर ट्रांसफार्मर में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, क्या क्या उनके काम आते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम कंजर्वेटर टैंक की तरफ। कंजर्वेटर टैंक जिसका पर्पज होता है, जैसे ही ट्रांसफार्मर के अंदर क्योंकि ऑयल भरा होता है, लगभग 2000 लीटर होता है ऑयल पावर ट्रांसफार्मर के अंदर, इस 2000 लीटर जो ऑयल है जब वाइंडिंग के अंदर करंट फ्लो होता है तो इस करंट के कारण वाइंडिंग गर्म होती है, जिससे कि ऑयल गर्म होती है। इस ऑयल को गर्म होने से ऑयल का जो लेवल है मेन टैंक के अंदर, वो मेन टैंक के अंदर ऑयल का लेवल इंक्रीज होता जाता है। जैसे ही लेवल इंक्रीज होता जाता है तो ये जो ऑयल है वो बाहर आने लगती है। तो बाहर जो मेन ट्रांसफार्मर है उसके ऊपर जो पाइप लगाए हुए हैं, उन पाइपों की सहायता से ये एक कंजर्वेटर टैंक में लगा, कंजर्वेटर टैंक जिसको ऊपर इंस्टॉल किया गया है, वो टैंक में ये ऑयल आके स्टोर हो जाती है। जैसे ही लोड कम होता है तो जो ऑयल का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, उसकी वजह से जो ऑयल का लेवल है वो नीचे नीचे चला जाता है, जिससे कि कंजर्वेटर टैंक से वापस ऑयल मेन टैंक में आने लगती है। तो इस हिसाब से ये सर्कुलेशन चलता रहता है। तो ये पर्पज़ होता है कंजर्वेटर टैंक का। नेक्स्ट है रेडिएटर। रेडिएटर का जो पर्पज़ होता है, जो मेन टैंक के अंदर जो ऑयल भरा था उसको कंटिन्यूसली ठंडा करने के लिए रेडिएटर का यूज किया जाता है, जिसके ऊपर फैन लगाए हुए हैं। इन फैनों की सहायता से जो ऑयल है वो ठंडा होता है। नेक्स्ट ब्रीथर। ब्रीथर क्या होता है, जैसे ही ऑयल गर्म होता है उसका लेवल इंक्रीज होता है, तो जो ट्रांसफार्मर का मेन टैंक है उसमें एयर भरी होती है, उस एयर को बाहर निकाला जाता है। जैसे ही ऑयल का लेवल नीचे जाता है तो बाहर से जो एयर है वो अंदर की तरफ जाती है। तो इसको बाहर से अंदर और अंदर से बाहर निकलने के लिए हमें ब्रीथर यूज किया जाता है। जिस ब्रीथर में जो ब्लू कलर का जो मटेरियल भरा जाता है वो सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल का जो पर्पज़ होता है, वो पर्पज़ होता है ये मॉइस्चर कंटेंट को मेन टैंक में अंदर जाने नहीं देती, ताकि मेन टैंक की जो ऑयल होता है वो मेन टैंक का जो ऑयल होता है वो ऑयल डीकम्पोज ना हो या ऑयल ऑक्सीडाइज ना हो, इसका मेन पर्पज़ ये होता है। इसके बाद मेन टैंक है। मेन टैंक के अंदर जनरली वाइंडिंग, जो तीनों वाइंडिंग होती हैं उनको प्लेस किया जाता है, साथ में उसमें एक साथ में ऑयल को फिल कर दिया जाता है। ऑयल बेसिकली दो पर्पज़ होते हैं, ऑयल के दो पर्पज़ होते हैं, एक तो इंसुलेशन के लिए और एक आइसोलेशन के लिए। इंसुलेशन प्रोवाइड कराता है ऑयल एक ऐसा ऑयल होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉनों को रिमूव कर दिया जाता है, उसके बाद में इसमें ऑयल को फिल किया जाता है। इसके बाद चलते हैं हम लाइटनिंग अरेस्टर। चूँकि GSS के अंदर हर जगह पर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं, और ये लाइटनिंग अरेस्टर GSS को, ट्रांसफार्मर को, जो बड़ी बड़ी महंगी महंगी डिवाइस होती हैं उन सभी को बचाने के लिए हर जगह लाइटनिंग अरेस्टर का इस्तेमाल किया गया है। लाइटनिंग अरेस्टर के ऊपर थोड़ों में डिस्क लगाई गई है जो ट्रैवलिंग वेव को एक्सट्रैक्ट करने के लिए काम आनी जाती है। इसके बाद में आती है इसके बाद में आता है कूलिंग फैन। कूलिंग फैन जो रेडिएटर के ऊपर लगाए गए हैं, ये हमेशा ठंडा करने के लिए काम में लिया जाता है। बकुल्ड रिले। इसके बाद चलते हैं हम बकुल्ड रिले की तरफ। बकुल्ड रिले ट्रांसफार्मर के अंदर जो इनसीपिएंट फॉल्ट आते हैं, इट मीन्स जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है, उस इंसुलेशन का ऑक्सीडेशन होने की वजह से जो स्लज फॉर्मेशन होता है ट्रांसफार्मर का, जिसकी वजह से स्लज का फॉर्मेशन होता है, उस स्लज को बकुल्ड रिले पहचानने का काम करती है, और ये एक सिग्नल प्रोवाइड कराती है कंट्रोल रूम के अंदर कि ट्रांसफार्मर का जो प्रेशर है ऑयल का, या फिर टेम्परेचर है ऑयल का, या फिर स्लज फॉर्मेशन है ऑयल टैंक के अंदर, वो उसका लेवल है, उस सब के बारे में ये बताती है, और ताकि मेन टैंक का बस्ट नहीं हो सके, उससे बचाने के लिए बकुल्ड रिले कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करती रहती है।
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर बेसिकली दो तरह के इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर यूज किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर सी टी एंड पी टी, करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर सी टी। सी टी जिसको हमें सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, जो कि यूज करता है, जो कि काम में आता है सर्किट में, चूँकि चूँकि करंट का लेवल एट द टाइम ऑफ फॉल्ट, और क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर का पर्पज़ होता है एक तो सेंसिंग रिले के लिए और एक मेजरमेंट पर्पज के लिए, तो ये करंट के जो लेवल है उस लेवल को हाई लेवल से लो लेवल में ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम में लिया जाता है। बिकॉज इतने बड़े जो एमीटर होते हैं, ज़्यादा रेटिंग के एमीटर बनाना बहुत मुश्किल होता है, तो उसके लिए हम करंट ट्रांसफार्मर के सहायता से हाई लेवल ऑफ करंट को लो लेवल ऑफ करंट में ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर उसके बाद में उसको जो एमीटर होते हैं उनकी सहायता से हम उनको मेजर कर सकते हैं। दूसरा पर्पज है रिलेइंग पर्पज। रिलेइंग पर्पज में बिकॉज रिले 5 एम्पियर को ऑपरेट होती हैं, सो 5 एम्पियर करंट के लिए हमें सीटी की सहायता से करंट को डिक्रीज करना होगा, सो इसलिए सीटी का इस्तेमाल किया जाता है। हमेशा ध्यान रखें कि सीटी की सेकेंडरी को हमेशा शॉर्ट करके रखना चाहिए, अदरवाइज सीटी की जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो जल जाएगी, क्योंकि प्राइमरी वाइंडिंग का जो वोल्टेज है, चूँकि फ्लक्स है, चूँकि जो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है प्राइमरी वाइंडिंग के ऊपर वो डीप इन सैचुरेशन में चली जाएगी, जिसकी वजह से वोल्टेज है प्राइमरी वाइंडिंग का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके लिए हाई इंसुलेशन की ज़रूरत होती है। यदि हाई इंसुलेशन नहीं मिलेगा वाइंडिंग को तो वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी, इसीलिए हमें ये ध्यान रखना होता है कि सीटी की जो सेकेंडरी होती है उसको हमेशा शॉर्ट करके रखना चाहिए। वैसे ही पीटी का यूज किया जाता है। पीटी मीन्स पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, जिसको हम वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। इसकी सेकेंडरी को हमेशा ओपन करके रखना चाहिए, अदरवाइज जो पावर ट्रांसफार्मर है वो भी जल जाएगा, उसका भी जो कोर है वो डीप इन सैचुरेशन में चली जाएगी, जिससे कि वोल्टेज कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा, जिससे पीटी की जो वाइंडिंग है वो जल जाएगी। पीटी का हमेशा ध्यान रखें कि पीटी को हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है, और इसका भी पर्पज मेजरिंग पर्पज के लिए और डिलेइंग पर्पज के लिए ये स्लाइड में आपको जो बनाना है उसमें है कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, जिसमें एक तो यार्ड लाइट का होता है, एक बैटरी रूम होता है, एक अलार्म सिस्टम होता है, एक PLCC चार्जिंग सिस्टम होता है, और एक रिलेइंग सिस्टम होता है। इन सभी का अलग अलग पर्पज़ होता है। यार्ड लाइट जो यार्ड के अंदर जो लाइटें होती हैं उन सभी के बारे में, उन सभी को जो सप्लाई देनी होती है उन सभी के बारे में बताया जाना होता है। अलार्म सिस्टम होता है जो हर जगह लाइन को हर जगह जो भी डिफ़िकल्टी सिस्टम में फील होती है उन सभी के लिए अलार्म ताकि वहाँ पर जो काम करने वाले मेंटेनर होते हैं उन मेंटेनर को अलार्म के सहायता से पता लग जाए। रिलेइंग पर्पज उसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आती है रिले। रिले बहुत अच्छा एलिमेंट होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम, जो कि GIS के अंदर यदि रिले नहीं हो तो पावर सिस्टम वर्क ही नहीं कर पाएगा। बिकॉज क्या होती है रिले, इसके बारे में, रिले इज ए सेंसिंग डिवाइस विच इज सेंस द एबनॉर्मलिटी ऑफ सिस्टम एंड कमांड टू द सर्किट ब्रेकर टू ऑपरेट एंड आइसोलेट द फॉल्टी एलिमेंट फ्रॉम द हेल्दी सिस्टम। इट मीन्स हेल्दी सिस्टम से फॉल्टी जो एलिमेंट है उसको अलग करने के लिए रिले का यूज किया जाता है, क्योंकि रिले क्या करती है, एक सिग्नल प्रोवाइड करती है सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर उस हेल्दी सिस्टम को फॉल्टी सिस्टम से अलग करता है। जनरली पावर सिस्टम में 4 तरह की रिले यूज की जाती है, वो है ओवर करंट रिले, ओवर वोल्टेज रिले, अंडर फ्रिक्वेंसी रिले एंड डिस्टेंस रिले। ओवर करंट जो कि ओवर करंट प्रोटेक्शन में काम में ली जाती है, ओवर वोल्टेज रिले जो कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में काम में ली जाती है, अंडर फ्रिक्वेंसी रिले
जो कि फ्रिक्वेंसी को हमेशा ऑब्जर्व करती रहती है, एक वॉच डॉग की तरह काम करती रहती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में जो भारत के अंदर जो फ्रिक्वेंसी के जो वेरिएशन है वो +-3%, इट मीन 50 ±3% वेरिएशन हो सकता है, इससे ज़्यादा इट मीन्स 47.5 से 51.5% 51.5 हर्ट्स तक फ्रिक्वेंसी को फ्रिक्वेंसी वेरी हो सकती है। इससे ज़्यादा यदि फ्रिक्वेंसी वेरी होती है तो फ्रिक्वेंसी रिले ऑपरेट हो जाती है और सिग्नल देती है सर्किट ब्रेकर को, ताकि जिस चीज वजह से वो हो रहा है वो उसको वो प्रॉब्लम को हैंडल करके उसको उसको इम्प्रूव करे। इसके बाद चलते हैं डिस्टेंस रिले। डिस्टेंस रिले बेसिकली मेजरमेंट बेसिकली इम्पिडेंस है। बेसिकली तीन टाइप की डिस्टेंस रिले होती है जिनका पर्पज किया जाता है, जिनका जो पर्पज होता है वो पर्पज जैसे कि इम्पिडेंस मेजरमेंट के लिए काम में ली जाती है। कौन सी मतलब कितनी डिस्टेंस पे फॉल्ट आया हुआ है ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, वो सभी के बारे में डिस्टेंस रिले बताते हैं। इसके बाद चलते हैं सर्किट ब्रेकर। जो रिले का आउटपुट होता है वो क्या होता है सर्किट ब्रेकर के लिए जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, जो फॉल्टी सिस्टम होता है उसको जो फॉल्टी सिस्टम है उससे अलग करने के लिए काम में लिया जाता है। जनरली 5 तरह के सर्किट ब्रेकर यूज किए जाते हैं पावर सिस्टम के अंदर। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ऑल सर्किट ब्रेकर, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, एसेप्टिक सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। हर सर्किट ब्रेकर की अपनी एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज के हिसाब से हमें उनका इंस्टॉलमेंट किया जाता है। इंसुलेटर बेसिकली होते क्या हैं। इंसुलेटर बेसिकली जैसे ही कंडक्टर को हमें किसी भी पोल के ऊपर किसी भी टावर के ऊपर इंस्टॉल करना होता है, तो टावर को उस पोल का जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है उससे दूर रखने के लिए हमें इन इंसुलेटरों की आवश्यकता होती है। और इन इंसुलेटरों यदि हम उनको दूर नहीं रखेंगे तो जो वोल्टेज है वो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में होते हुए और ग्राउंड में चला जाएगा। इट मीन्स हम जो वोल्टेज का जो वोल्टेज सेंड कर रहे हैं फ्रॉम जनरेटिंग स्टेशन से सेंडिंग एंड सॉरी रिसीविंग एंड पर वहाँ तक हम वोल्टेज को पहुँचा नहीं पाएंगे, उसके लिए हमें इंसुलेटरों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। और हर लेवल ऑफ वोल्टेज के लिए अलग 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 टाइप के इंसुलेटर यूज किए जाते हैं, जैसे कि पिन टाइप इंसुलेटर। पिन टाइप जनरली यूज किया जाता है अप टू 11 के वी, उसके बाद में अप टू 33 के वी सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर एंड अबव 33 के वी स्ट्रेंथ टाइप इंसुलेटर। एंड चौथा आता है सिकल टाइप इंसुलेटर। सिकल टाइप इंसुलेटर वहाँ पे यूज किए जाते हैं जहाँ पे लाइन का एंड होता है, जैसे कि कोई लाइन किसी नदी पे जाके एंड हो जाती है, या फिर कोई लाइन कहीं पे जाके मुड़ती है, तो उस जगह पे हमें सिकल टाइप इंसुलेटर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट तो बताना है वो है कपलिंग कैपेसिटर। बेसिकली बहुत अच्छी डिवाइस होती है पावर सिस्टम में कपलिंग कैपेसिटर, जिनका यूज डिफरेंट कपलिंग कैपेसिटर एंड रिएक्टर, जिनका यूज डिफरेंट तरीके से किया जाता है। जो शंट कैपेसिटर होता है जिसका यूज किया जाता है पावर सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए। सीरीज कैपेसिटर है जिसका यूज किया जाता है वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। सीरीज रिएक्टर होता है जिसका यूज किया जाता है करंट को लिमिट करने के लिए। एंड शंट रिएक्टर होता है उसका जो यूज किया जाता है पावर सिस्टम के अंदर वो है वोल्टेज प्रोफाइल को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो दोस्तों फाइनली हमने कंक्लूड इसका एक कंक्लूजन दिया हुआ है, वो कंक्लूजन आपको सबसे लास्ट स्लाइड में देना है। उस कंक्लूजन में आपको ये बताना है कि आपने आपकी ट्रेनिंग कैसी रही है, वो सभी के बारे में आपको बताना है। लास्ट में आपको एक आपको ये लिखा हुआ है प्लीज सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी ये स्लाइड, प्लीज जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड
सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। हो सकता है ये वीडियो लेंथी हुआ हो, लेकिन मैंने इस वीडियो में हर चीज़ के बारे में डिटेल से बताया है, सो इसकी वजह से ये वीडियो लेंथी हो गया है। ओके, थैंक यू।